नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम ट्रिकी में, जहां पर हम दोस्तों बात करने वाले हैं आप लोगों के क्वेश्चंस पर। यानी कि बहुत सारे भाई बहनों का कमेंट था जिन्होंने इस बार एडमिशन कराया है, तो किस प्रकार से उनको जॉब मिलेगी, डीएड कंप्लीट होने के बाद में उनको क्या कुछ करना पड़ेगा, और गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब जो हैं वो कहाँ कहाँ पर आपको मिल सकती हैं। संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। और रिक्वेस्ट सभी से करता हूँ, जितने भी हमारे भाई बहन जुड़े हुए हैं, क्योंकि यह आपका जो चैनल है लगातार 2 वर्षों से कार्यरत है, आपके साथ में जुड़ा हुआ है, तो वीडियो को सभी मित्रों के पास शेयर कर दीजिएगा। और जितने भी हमारे भाई बहन हैं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बस इतना ही आप लोगों से मिलता है, दिल को अच्छा लगता है, आप लोग जुड़ते हैं साथ में, और आप लोगों की वजह से ही आज दोस्तों 17,000 के करीब में अपना परिवार होने वाला है। तो दोस्तों इस परिवार को जल्दी से जल्दी 17,000 के पास पहुंचा दीजिए, और कुछ ही मेंबर्स बचे हुए हैं इस परिवार में 17,000 के लिए। तो दोस्तों वीडियो शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस परिवार को बढ़ाते जाइएगा। दोस्तों बात होगी डीएड कंप्लीट होने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि डीएड जब आपका कंप्लीट हो जाएगा, आपकी दोनों ईयर्स की जो मार्कशीट आपके हाथ में आ जाएगी, आपका सर्टिफिकेट हाथ में आ जाएगा, यानी कि डिप्लोमा जो बन के आएगा वो आपके हाथ में आ जाएगा। उसके बाद में आपको आरसीआई में एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा सीआरआर के लिए। उस रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको सीआरआर नंबर मिल जाएगा, और उसकी जानकारी मैं आपको देता रहूंगा। जब आप लोगों का सेशन कंप्लीट होगा, वीडियो आपको बना के दे दी जाएगी किस प्रकार से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, क्या कुछ। दोस्तों संपूर्ण जानकारी आपको इसी चैनल पर मिलती रहेगी, यानी कि आपको और कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जितने भी लोग जुड़े हुए थे सभी को जानकारी दे दी गई है, आप लोग भी चैनल पर जाकर के देख सकते हैं, वीडियोज अपलोड हैं। और उसके बाद में जो मेनली चीजें हैं, सी टेट, अगर आप यूपी से हैं तो यूपी टेट और रीट, इन तीन मुद्दों पर बात होगी कि अगर आप यूपी टेट पास कर लेंगे, सी टेट पास कर लेंगे, तब आपको किस प्रकार से जॉब मिलेगी, या आपको प्राइवेट जॉब कहां पर मिल सकती है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम उत्तर प्रदेश की बात कर लें, यानी कि यूपी की बात कर लें, तो यूपी में दोस्तों या तो आप यूपी टीटी पास कर लें और या तो आप सी टेट पास कर लें, यानी कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, या यूपी का जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है उसको अगर आप पास करते हैं, तो सुपर टेट के लिए जब भी वैकेंसीज आती हैं, जैसे कि अभी पिछली भर्तियां हुई 68,500 बहुत बड़ी भर्ती, 69,000 बहुत बड़ी भर्ती, और आप सभी ने सुना होगा कि काफ़ी सारा घोटाला हुआ, कुछ भी बहुत कुछ, ये क्योंकि ये दोनों भर्तियां काफ़ी विवादों में रहीं। तो इनमें क्या था, डीएड स्पेशल एजुकेशन को पूरी की पूरी मान्यता दी गई थी, ये भी फॉर्म डाल सकते थे, और बराबर का हक, यानी कि अगर बीएड बीटीसी को हक दिया गया है बराबर का, तो डीएड स्पेशल एजुकेशन को भी हक पूरा का पूरा दिया गया। हाँ, इनमें कहीं अलग से सीटों का जिक्र नहीं किया गया, यानी कि जो सीटें नॉर्मल की थी वही सीटें स्पेशल की थी, और अगर अलग से कोई भी सीटें आती हैं तो दोस्तों आपका चैनल तो है ही, आप यहाँ पर बने रहिए, आपको संपूर्ण जानकारी मिलती रहेगी। यूपी के लिए इतना था, और यूपी टेट या सीटेट में से आप कुछ भी पास कर लीजिए, आप सुपर टेट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और जो भी SC ST कैटेगरी 82 नंबर, और जो भी आपके जनरल कैटेगरी थी 90 नंबर कम से कम आपके पास होने चाहिए। आगे हम बात कर लेते हैं दोस्तों राजस्थान में, तो राजस्थान में अभी तक रीट का पेपर होता था, और जो भी वैकेंसीज आती थी, मान लीजिए अभी जो पिछली वैकेंसीज आई थी इसमें 500-500 सीटें करके स्पेशल एजुकेशन की दी गई, और ये भी कहा गया कि आप लोग दोनों जगह अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि अगर आप नॉर्मल टीचर में अप्लाई करना चाहते हैं तो नॉर्मल टीचर में भी अप्लाई कर सकते हैं, और स्पेशल में अप्लाई करना चाहते हैं तो स्पेशल में भी अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते आपको 2 फॉर्म भरने पड़ेंगे, नॉर्मल का अलग से भरना पड़ेगा और स्पेशल का अलग से भरना पड़ेगा। अब क्या है, अब जो भी नई रीट आएगी, रीट देने के बाद में आप लोगों को एक पेपर, जैसे कि यूपी में मैंने आपको बताया कि सुपर टेट, वैसे ही राजस्थान में भी एक पेपर और होगा रीट के बाद में, एक पेपर और होगा,
और उस पेपर के अकॉर्डिंग आप लोगों की जो मेरिट है वो तैयार की जाएगी और तब आप लोगों की जो है नौकरी लगेगी। मगर यहाँ पर राजस्थान में क्या होता है, सीट्स जो होती हैं वो अलग से देखने को मिलती हैं, यानी कि अलग से वैकेंसीज, जो भी वैकेंसीज नॉर्मल की आती हैं उन्हीं में से कुछ वैकेंसीज जो होती हैं वो स्पेशल की भी अलग से दे दी जाती हैं। 500 वैकेंसीज हुई, 1000 वैकेंसीज हुई, इस प्रकार से। तो यहाँ पर आपको रीट पास करना होगा। और आगे हम बात कर लेते हैं, आगे दिल्ली की बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको, आप कहीं से भी हो, आप अगर राजस्थान से हो, आप देश के किसी भी कोने से हो, अगर आप सीटेट पास कर लेते हैं, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट अगर आप पास कर लेते हैं, आप भारत के किसी भी कोने से हो, चाहे आप राजस्थान से हो, यूपी से हो, बिहार से हो, गुजरात से हो, किसी भी राज्य से हो, अगर आपको दिल्ली में जॉब चाहिए तो दोस्तों DSSSB अभी पिछली बार 1132 पोस्टें यहां पर निकाली गई थी DSSSB के द्वारा, और आगे भी ऐसी ही वैकेंसीज DSSSB निकालता रहेगा। अभी इसका नहीं क्लियर होता है कि एक साल में वैकेंसीज आएंगी या दो साल में वैकेंसीज आएंगी, लेकिन DSSSB जो है वैकेंसीज निकालता है। अगर आप सीटेट में कम से कम 90 अंक, क्योंकि अगर आप दूसरे राज्यों से हैं तो आप दिल्ली में जनरल में अकाउंट किए जाएंगे, तो दोस्तों वहां पर आपको कम से कम 90 अंक आपके पास होने चाहिए। अगर आपके पास 90 अंक रहते हैं तो दोस्तों आपको वहां पर जो DSSSB का फॉर्म है वो भरने को मिल जाएगा। जो भी सिलेबस होगा उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पेपर देना पड़ेगा, और संभवतः बहुत ही जल्द 450 पोस्टें दिल्ली में फिर दिखने वाली हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। कब तक पोस्टें आती हैं आपको जानकारी दे दी जाएगी, और तैयारी करिए, बेहतरीन तैयारी कीजिए। तो दोस्तों इतना आपका दिल्ली के बारे में था, और अब हम आगे बात कर लेते हैं प्राइवेट कॉलेजेस पर, यानी कि प्राइवेट जॉब आपको कहाँ पर मिलने वाली है। जितने भी NGOs हैं, जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं, यहाँ पर भी स्पेशल एजुकेटर्स रखे जाते हैं। जहाँ पर आप पढ़ने जाते होंगे यहाँ पर भी देखते होंगे आप कि यहाँ पर भी स्पेशल एजुकेटर्स जो हैं वो बच्चों को पढ़ाने के लिए रखे जाते हैं। तो दोस्तों आप इन कॉलेजेस में भी संपर्क करके, और यहाँ की जो मंथली इनकम रहती है, यानी कि एक महीने में जो भी आपको सैलरी पेड होती है, उसके लिए आपको जिस कॉलेज में आप पढ़ाने के लिए अप्लाई करेंगे, CV देंगे, वहाँ पर ही आपको उसके बारे में पता चलेगा। दूसरी चीज़ ये है कि जो भी संविदा पर बचपन डे केयर नाम की एक संस्था है जो कि संविदा पर भी वैकेंसीज निकालती है स्पेशल एजुकेशन की, तो दोस्तों बचपन डे केयर में अगर आप वैकेंसीज आती हैं तो दोस्तों वहाँ पर भी आप लोग जो हैं अपना फॉर्म डाल सकते हैं, और इंटरव्यू बेसिस या जो भी वो मांगते हैं उसके हिसाब से आपको वहाँ पर भी जॉब मिल सकती है। तो संभवतः आप लोग समझ गए होंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।